मैडम के पास जाओ, जरा पूछो, शायद उसके इल्म में कुछ हो। मैडम से पूछने की क्या जरूरत है भला आपको? मैडम तो मैडम से कुछ भी पूछेंगे तो उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगी, बोलने का भी बहुत शौक है उनको। एक घर में रहते हैं, साथ मिलके रहना चाहिए, क्या फायदा लड़ाई झगड़े का? पैर कट जाए क्या? कि जिस वक्त मजी भाई को ये पता चल गया कि ये पर्चा तहरीन भाभी ने लिखा है, तो आपको उनकी तबीयत का पता तो है, जानते तो हैं आप। मैंने तुमसे कहा ना, ये सारी परेशानी मैं देख लूंगा और आइंदा मुझे तुम इस मसले पे बोलते हुए नजर ना आओ। इस कार में मैंने यही देखा है, बड़ी से बड़ी बात को बिना इग्नोर कर दिया जाता है बड़ी आराम से, तो छोटी सी इन्नी जी बात का बिना बड़ा बड़ा इशू बन जाता है। तुम अपने अम्मी को तो नहीं दिखाया ना? नहीं, उन्होंने तो हाथ लगाने से भी इनकार कर दिया था। तो डैडी फिर इस प्रॉब्लम का ड्रॉप सीन आखिर होगा कब? बात कुछ लंबी हो गई, सारी बात गलत फहमी की है। ना कसूर तुम्हारी अम्मी का है और ना इन्हीं का, और ऊपर से अक्का भाई बेकार में पिस रहे हैं, उधर अम्मी अलग से नाराज हैं, और आई एम श्योर कि एनी भाभी ने अम्मी को एक लम्हा भी को माफ नहीं किया होगा। लेकिन डैडी प्लीज प्लीज बी वेरी केयरफुल, ये पर्चा अपने घर में किसी को दिखाना नहीं है प्लीज। हाँ हाँ भाई, पागल थोड़ी हूं, सब जानता हूं। मुझी को मैंने बहुत मुश्किल से टाला है, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस बात का एंड कैसे होगा। अगर हमने तहरीम का नाम लिया तो बात पता नहीं कहीं से कहीं चले जाएगी। मैं ये अपने नाम लूंगा। बड़ी सुननी पड़ेगी तुम्हें। अगर कोई और भी इसका हल है तो वो आप बता दीजिए। चलो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस कहानी में आओगे कैसे? वो आप मुझ पे छोड़ दें। से ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी हरकत करोगे। तुमने तो वो मिसाल कायम करने की कोशिश की है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से हैं। अम्मी मैंने मजाक किया था। ये किस किस्म का मजाक है? आप इसे मजाक कहते हैं? आपको मालूम है कि आपने अम्मी और हमें कितनी अजियत में रखा है? और वो क्या है कि तुम मुझे एक बात बताओ, गुगली मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हें हमारी बातों का इल्म कैसे हुआ जो तुमने ये पर्चा लिखा? वो शाजी ने बताया था। ओहो अच्छा, तो आग लगाने की असल जड़ मैडम है। क्या इरादे हैं आपके बेगम के? नहीं नहीं अम्मी, आप गलत समझ रही हैं, शाजी का इसमें कोई कसूर नहीं है। वो तो बल्कि सब कुछ अच्छे और भले के लिए चाह रही थी कि सारे मिलजुल कर रहे, खुश रहे। ये पर्चे वाली बात तो मैंने खुद से अपने खुद से बनाई थी। सुन रहे हैं डैडिया, इसकी यही बकवास, ये मजाक इसका, एक दिन इस घर को हिला के रख देगा, मैं बता रहा हूं आपको। घर को हिला के रख देगी? घर को हिला के रख दिया,
आपको हक किसने दिया है हमसे ऐसा मजाक करने का? बड़ी भाभी हैं हम आपकी, कोई तमीज लिहाज तरीका सब भूल गए आप? नहीं भाभी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि मजाक इस हद तक बढ़ जाएगा तो मैं किसी थाने में पर्चा कटवा देता, लेकिन आपके कमरे में पर्चा ना डालता। देखो भाई, सबने गुगली को सुन लिया, या अभी कुछ बाकी है? उसने अपनी गलती मान भी ली और तुम सबसे माफी मांग भी ली। अगर किसी ने कुछ कहना है अभी इसी वक्त कहे और इस किस्से को खत्म कर दिया जाए। नहीं डैडी, मैं इसे इसके किए की सजा जरूर दूंगा। ऐसी सजा कि ये सारी जिंदगी भूल नहीं सकेगा। कि आइंदा ऐसी हरकत करने से पहले इसके हाथ पांव कांपेंगे। और इसकी सजा ये है कि ये सारे घर के लिए पाए बनाएगा। हद कर दिया खत्म। लेकिन मुझे तो पाए बनाने आते ही नहीं है, गलती से कहीं खीर ना बना सके। कोई बात नहीं, तुम और मैडम मिलके बनाओगे, लेकिन कोई तीसरा बंदा किचन में नहीं जाएगा। अरे गुगली, एक कहानी हमारे पर्चे में भी डाल दो। नहीं डैडी जी, ये कहानी बड़ी पुरानी है। मेरा घर जीते रहो, जीते रहो। अरे इशरत, वैसे अच्छा ही हुआ पर्चे का ये जो तुम्हारा मसला था ना, वो हल हो गया। लेकिन कुदरतुल्ला कुछ तो है, मेरा दिल नहीं मान रहा कि गुगली ऐसी हरकत कर सके। कमाल करती, एक आदमी ने फर्ते जुम कबूल कर लिया है और तुम्हारे दिल से बात ही नहीं निकल रही। आप कुछ भी कह ले, मेरे दिल में खटका सा है, रहेगा। अरे खटका कैसा, किसी की जरूरत है इस घर में जो तुम्हारे नाम से कोई पर्चा डाल सके? इसीलिए तो खटका है। ये गुगली को सूझी क्या, पहले तो उसने कभी इस किस्म की हरकत नहीं की। अरे भाई, नौजवान लड़के कहाँ सोचते हैं ये लोग, बस मौज आई होगी कर दिया। नौजवान है लेकिन माशाल्लाह घर बार वाला है, अब तो है, कल कल आपको औलाद हो जाएगी फिर। अरे हाँ, तो दादी भी तो तू ही बनोगी ना, गोद में खिलाओगी। आई कुदरत अल्लाह मियां, ये वक्त जल्दी से ले आए हैं, कैसी अच्छी बात की तू। आमीन आमीन। वैसे एक बात है, अक्का ने ये सजा बड़ी आला रखी है। अरे कल पाई की दावत देखकर एक जिस्म में एक एनर्जी सी पैदा हो गई, कल पकेंगे ना? अरे दो चार दिन ठहर जाओ, ऐसे भी क्या जल्दी है। क्यों भाई, इस वक्फे का मकसद? तुम्हारे सामने तो कोई बात करना अजाब है, कुछ स्टैम्प पेपर पे थोड़ी लिखा गया कि पाए कल ही बनेंगे। लेकिन फिर भी क्यों नहीं, दो चार दिन बाद दिलशाद साहब की दावत है। अच्छा सब चलेंगे? नहीं, सिर्फ औरतों को बुला। हैं? तो हम क्या करेंगे? क्या घर में खाना नहीं पकता कुदरतुल्ला, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कमाल करती हो। अच्छा ये एक बात बताओ, खाना तो भेजेंगे? मुझे इल्हाम नहीं हुआ करते। भाई हम तो हर तकरीब में लोगों को खाना भेजते। ठीक है, जब उनकी तकरीब में जाऊंगी तो कह दूंगी मुंह भर के कि भाई हमारे मियाँ कह रहे थे जब हमारे यहाँ तकरीब होती है तो हम तो थाल भर भर के तुम्हारे यहाँ भिजवाते हैं, तुम भी कोई देख हमारे यहाँ भिजवा दो, बस खुश। अकेले जाना है ना, इसलिए खुश हो। इतने 50 लोग चले जाएं, दावतों में एक दो लोग ही बुलाए जाते। अच्छा भाई ठीक, खाने के पीछे भी कोई ऐसा करता है। तुमने मेरे सगे भाई होने का हक अदा किया है, तुम बहुत अच्छे हो, सबके हमदर्द, सबके खैर खा। भाभी संभाल चाबी, भाभी संभाल चाबी। गुगली, मैं तुम्हारा एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी। छोड़े तहरीम भाभी, माँ बदौलत की तो ऐसी आदत ही नहीं है, हम तो एहसान करके भूल जाते हैं। क्यों मफिन जी, बस डैडी को असल बात कहनी है,
और आपने उनसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि उन्होंने खास तौर पे कहा था कि तहरीम को कह देना कि आइंदा ये हिमाकत ना करे। तो ठीक है, तुम डैडी से कह दो कि आइंदा ऐसी कोई हिमाकत नहीं होगी। प्लीज, तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी है। मैं वाकई बहुत परेशान थी। अच्छा, परेशान थी आप? भी तो आप हमें बता तो देती। मुझे पता था आप इतनी परेशान है, मैं कभी आप पर एहसान ना करता। वो तो मफिन जी, मैंने सोचा कि हल्की सी बात है, तो चलो ले लो अपने सर। कुटली, तुमने मेरे सगे भाई होने का अदा किया है। तुम बहुत अच्छे हो। सबके हमदर्द, सबके खैर खा। क्या आप मुझे अपने सगीर की तरह नहीं समझते? तो फिर क्यों कर रही हैं ऐसी बात? आप एक छोटी सी बात को अपने सर लेने पर एहसान कह रही हैं? कोई माने या ना माने, आपको और एनी भाभी दोनों को मैंने तो कभी भाभियां समझा ही नहीं। मैंने हमेशा अपनी सगी बहनों की तरह समझा और हमेशा मैंने वही इज्जत दी। ओ जी बात कर दो, ये क्या ट्रेजक शुरू कर दिया आप दोनों ने? ये सब कुछ मेरी आई फेसिंग नहीं कर सकती। क्या है ये आई फेसिंग? क्या है? ले, इतना आसान लफ्ज तो बोला है मैंने इंग्लिश का। मतलब ये है कि मेरी आंखें ज्यादा देर तक नहीं देख सकती ये सब कुछ। विलियम शेक्सपियर की फैमिली की आखिरी आई एंड लैम्प, आई एंड लैम्प चश्मो चराग। बस कर दो ये अंग्रेजी तुम। कुकली, तुमने क्यों मैडम का मूड ऑफ कर दिया है? इसके अंग्रेजी बोलने से तुम्हारा क्या जाता है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मैडम, तुम जितनी चाहे अंग्रेजी बोल, मैं देखती हूँ कि गुगली तुम्हें कैसे रोकता है। अब मैं देखती हूँ कौन मुझे इंग्लिश टॉकिंग से स्टॉप करता है। अब तो आपकी बहन जी ने भी प्रमोशन दे दिया है मुझे। मैंने कब प्रमोशन दिया तुम्हें? मैं आपको बताता हूँ, प्रमोशन नहीं, परमिशन कह रही है। और दे जरा आप इसको प्रमोशन, ये तो रेडी होती है इस काम के लिए। खाली बैठी जी, बैठे बैठे मेरा पानदानी देख लो, कत्ते चुने में पानी डाल दो। क्यों अम्मी जान, इसके अंदर क्या पौधा भी छुपा हुआ है? लो रहने दो मैडम, कुछ नहीं। अच्छा ये तो याद है ना सबको कि दिलशाद साहब के यहाँ जाना है। क्या मतलब अम्मी जान, कोई तकरीब है क्या? लो देखो जरा मेरे दिमाग को क्या हो गया। हाँ कोई तकरीब ही है खुशी की, जाना भले सबको है। हाँ एनी भाभी बी राडी जी, क्योंकि दिलशाद साहब के कार पे जो है वो आला सी तकरीब है, सब ने जा रहा है ते आपने नवे कपड़े पाने हैं। हाँ एनी, दिलशाद साहब की बेगम ने कहा था कि एनी को जरूर लाए, तुम्हारा नाम खास तौर पे लिया उन्होंने। अम्मी एनी भाभी के बगैर किसी तकरीब में जान ही कहाँ पड़ती है, हर तकरीब की जान है। यहाँ एनी मेरे पास बैठो आके। बैठने के बाद ये बताओ कि कौन सा जोड़ा पहनोगी तकरीब में? वही तो आपको दिखाया था। तो बड़ा शानदार है भाई, और हमारी एनी पे बहुत शानदार लगेगा है। और हाँ एनी भाभी, मुझे भी आपसे काम है, मेरे पास सारे कपड़े खत्म हो गए हैं, आपने मुझे अपना कोई चंगा जिहा नवा जिहा जोड़ा देना है, ते फ्राक हो जाए ते बड़ी चंगी गल है। और उधार मोहब्बत की कैंची है, दुकानों पर लिखा बहुत है। चलो भाई खुश रहो, जाना जरूर है भाई सबने। अरे भाई अगर रात को पाए पक जाते ना तो सुबह नाश्ता होता परांठे और पाए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, डैडी क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। भाई डैड ने कोई शेर सुनाया है जो इस पे आप मुस्कुरा रहे हैं? मजी बेटा, ये जो शायर लोग होते हैं ना, रात भर मुशायरे के बाद सुबह सुबह सीरी पाए का नाश्ता इन्हें बहुत मरगूब करता है। देखें अक्का भाई डैड का भाई, दरअसल ये पाए खाना इंतहाई कोई गैर शायराना काम है, ये सिर्फ पहलवानों को जेब देता है, क्योंकि आप ये देखें कि इट्स अ टफ जॉब। मतलब आपने नली में से गुदा निकालना है, वो भी हाथ मार के इतनी जोर से। ये जो शायर वगैरह लोग होते हैं ना, इनकी कलाई जो है वो कलम से शेर तो निकला सकती है, लेकिन ये गुदा वगैरह नहीं। अच्छा बेटे पहले ये तो बताओ कि वो जो तुम्हारे वाले पाए हैं वो कब आ रहे हैं? सर एनी टाइम, जब आप चाहेंगे तभी पाए आ जाएंगे। तो हमने कब रोका भाई, अभी ले आओ। अरे नहीं भाई नहीं,
ये तुम्हारी अम्मी बताएंगी कि कब पकने पाए। जब आप चाहे फैसला कर दे फाइन, लेकिन हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। अरे अरे कैसा सियासी बयान दे रहा है डैडी, देखें पीछे हटके बोल रहे हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं। वाह। नहीं, देखिए सर सियासी बयान नहीं है, क्योंकि पहले मैंने कुर्सी छोड़ी है फिर मैंने बयान दिया। अरे भाई इससे बहस ना करो अक्का, इसके पास हर बात का जवाब है। Too good, too good. अच्छा चलो जाओ, तुम जाओ। Too good, too good. I'm proud of you, my brother. क्या चीज है ये भी वैसे। अरे ये रहमानी साहब छत पे क्या कर रहे। अरे तौबा है भाई, मेरे तो सर में दर्द हो गया, बहुत विला हुआ। वैसे तो कहीं जाते नहीं है, गए भी तो ऐसी जगह। तौबा 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 तौबा। अरे भाई इस किस्म की तकरीब से तो ना कराती तो ज्यादा बेहतर थी। गिनती की औरतें, और गोपी जी गिनती की औरतों में भी पूछना ही नहीं जरूरी समझा। वो तो सदा की कंजूस है ही, लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी है। घर की तकरीब और चाय के लिए घर में दूध ही नहीं, भाई ये कैसी बात थी, ये तो समझ आने वाली बात थी। ये आपने सुना नहीं था, वो अपने पोते से कह रही थी जाओ जाके रोटियां ले आओ। अरे तो रोटियों के लिए पैसे दिए जाते हैं, रोटियां खुद तो नहीं चल के आती। अरे अम्मी वो तो हम भी देख रहे थे, बार बार कह रही थी रोटियां ले आइए रोटियां ले आइए, भाई पैसे भी तो निकाल दीजिए। मुझे पता होता ना बाहर कि इस कदर घर घुसनी तकलीफ है, मैं तो अपने घर से ही पैर ना निकालती, जाना तो दूर की बात। ऐसे हम इतना तैयार हुए, टाइम भी जाया हुआ। और की वो भी गया, इतने से लोग थे, ना कोई बात की ना चीत की, ते आते जाते बस ये कह दिया खाना खा कर जाइएगा। अरे तुम लोगों को तो नहीं कहा होगा, मुझे तो एक दो दफा आके कहा, बल्कि आखिरी दफा तो हाथ पकड़ के घसीट के बिठा लिया कि भाई तुम नहीं जा सकती, आप बिल्कुल नहीं जा सकती, वरना मैं कहाँ टिकने वाली हूँ, बैठती हूँ कहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। जी जी अम्मी मेरे सामने हाथ पकड़ के बिठाया था। वैसे ही सर में दर्द हो रहा है, मुझसे और बहस नहीं हो रही भाई, मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में। मैं तो लाके फेंकू इस सब को, खुल जाते। मैडम मैडम मफिन क्या, कौन किधर, ओ किधर कौन कौन किधर, ओहो तुम भी क्या करती हो। देखो कल सुबह मैं पाए लेकर आऊंगा, वो तुमने और मैंने मिलकर पकाने। क्या जी क्या जी क्या जी, गाय के पाए पकाने को हाथी के पाए नहीं पकाने। मुझे मुझे कोई पावे शावे नहीं बनाने आते। हमारे तो जैसे शहर में रेस्टोरेंट है ना पाए के, जफरी अमेरिका में यही तो काम करता है, वॉशिंगटन व्हाइट हाउस के सामने उसने पायों का ही तो ठिया लगाया हुआ है, वहां पे सबको लंच कराता है। ओ झाटे ना जी, मजाक ना करे। मजाक ना करे, तुमने अक्का भाई का हुलिया नहीं देखा, सफेद शलवार सफेद बनियान पहन के तो देख के ऊपर ही बट चढ़ के बैठे होते हैं और कहते हैं पाए ले लो पाए पाए लेने पाए, यही तो वो करते हैं। और डैडी डैडी जान को तो लोग कारीगर मानते हैं इस काम में, वो तो जिंदा गाय के पाए निकाल लेते हैं, उनको पाया दिखाओ वो गाय की रंग नस्ल और चाल चलन तक बता देते हैं। ये शहर में शादियां होती है ना गाय की, तो उसके गवाह अपने डैडी ही तो होते हैं। और जो डैडी के बड़े अब्बा अकबर बादशाह के लिए गाय के पाए पकाते थे। बात कर दे जी बात कर दे। और तुम्हें पता है, और इतने लजीज कि जब भी अकबर बादशाह वो पाए खाता था तो डैडी के बड़े अब्बा को कहता था पाए लागू पाए लागू पाए लागू। मुझे पाए बनाने आते हैं आते हैं आते हैं, आप बोले अभी बना दूं, मैं अभी जाती हूँ, जिसके पावे कहेंगे ना मैं उसके पाए बनाऊंगी, बताए किसके बनाने, मैं जा रही हूँ छोड़ दो मुझे, जा रही हूँ। अभी तो पाए आए भी नहीं, सुबह आएंगे। सुबह बना दूंगी। क्या ये एक घंटे के अंदर अंदर पक जाएंगे ना? एक घंटे में
क्यों जी, ज्यादा बता दिया मैंने क्या? ओ जी, ये प्लास्टिक के पावे नहीं है।